नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग सेक्शन की एक और नई वीडियो में। सुबह सुबह हमें लगवानी थी स्प्रे, आ गया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर वाला देख के हो गया खुश। आज बन रही है वीडियो, फिर हमने मिलाई इसमें कुछ दवाइयाँ इस प्रकार मिला रहे थे। इन भैया को लगा पता नहीं क्या हो रहा है, वीडियो कौन बना रहा। दवाई में थोड़ा थोड़ा मटेरियल हर चीज़ मिलाते हैं क्योंकि फंगस की दवाई होती है और गन्ने में स्प्रे होता है, इसलिए डाल दी है दवाई। और देखो ये उधर आ रहा है, उधर से इसमें टैंक में भरा जाता है ऐसे पानी, और पानी भरने के बाद ये हमारे यहाँ लगी हुई है पाइपलाइन, यहाँ पी रहे थे भैया पानी, और इस पाइपलाइन से हमारे खेतों की होती है भराई। और फिर ये ऐसा फटपट फंस गया, फंसने के बाद इसने लगाई जोर, नहीं निकल पा रहा था। फिर हमने एक लगाई तरकीब, हमने कहा इनको अरे तुम जाओ इसे हाथ से धक्का मारो। एक आदमी के हल्के से ही सहारे से ये ट्रैक्टर चल पड़ा। ये फटफट कितनी जोर लगाता है आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर स्प्रे हो गया शुरू, ऐसे होता है गन्ने में स्प्रे। स्प्रे में क्या होता है, ये पहले क्या करते थे, मशीनों से स्प्रे करते थे हाथ वाली, वो नहीं जा पाता था प्रॉपर। अब क्या है, बड़ी नली बना दी इन्होंने 5 फीट की, इससे ऊपर तक पत्तियों में पहुंच जाता है स्प्रे का पानी। पाइप देखो कुछ ऐसा हो रहा जैसे सांप रहा हो हिल, और क्योंकि इसमें प्रेशर था हैवी जो ट्रैक्टर चल रहा था। और यहाँ पे भैया खड़े हुए अपने मास्क का कर रहे हैं कुछ निरीक्षण, इतना था कुछ प्रेशर बहुत हैवी था जो कि एकदम से ही अंदर तक जा रहा था। अब गन्ने पे लगा है आज स्प्रे तकड़े वाला। उसके बाद हम ये पहला टैंक हमारा चल रहा था, और मैंने कुछ दिखाया आपको ड्रोन के सीन, क्योंकि मैं ये भैया दिखा रहे थे अपने स्प्रे के टैंक की ताकत, और ये ऐसा आइसर फटफट ट्रैक्टर, और ये दिख रहा है हमारा गांव। ये भैया बड़े खुश थे कि मालिक हैं, ये बताऊंगा इनको कितने रुपए लेते हैं बिगे के ये। और उसके बाद अभी हम दूसरा टैंक भी भरेंगे, क्योंकि पहला टैंक लगने के बाद ये टैंक कि आपको मैं बता दूं, एक टैंक 10-12 बिगे में लग जाता है, क्योंकि इसमें 1000 लीटर पानी आता है दवाइयों को मिक्स होने के बाद। और फिर मौसम हो रहा था बड़ा सुहाना, मौसम बड़ा रहा था खिल, ओस रही थी सारी उतर। उसके बाद हमने इनको बोला जल्दी जल्दी करो, उसके बाद तुम्हें पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ भैया जो हैं कुछ नए काम में जुड़ गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने स्प्रे मारना इधर से दूसरे खेत में शुरू कर दिया। यहाँ आगे हम फिर दूसरा टैंक भरना हो गया शुरू। ये है ब्लैक डायमंड दवाई, ये मैंने दवाई घोलने के बाद इसमें खाली डाल दी। उसके बाद फिर दवाई सारी मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो भी हमने इस डिब्बे से इसी में दवाई डाल दी। और ये दवाई सब मिक्स होने के बाद दूसरा टैंक हो गया था हमारा तैयार। अब चल दिए थे हम दूसरे खेत की तरफ को। एक टैंक पूरा कंप्लीट होने के बाद दूसरा टैंक ऐसे शुरू हो गया। दूसरा टैंक जैसे ही शुरू हुआ तो धूप हो गई थी बहुत अच्छी। स्प्रे हमेशा धूप में ही लगाना चाहिए, सभी किसान भाइयों को पता होगा। आप हो रहे होंगे बोर इसमें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सारी बात स्प्रे की हो रही है, लेकिन आज का व्लॉग ये कुछ स्प्रे का था, इसमें थोड़ी बहुत जानकारी थी और थोड़ा बहुत फन था। हमारा सामने दिखाई दे रहा है गांव, इस जहां हमारे खेत हैं इसके पीछे से निकला है अभी हाईवे। अब आ गए हम अपने तीसरे वाले खेत पर इन्होंने लगाना शुरू किया स्प्रे, और यहाँ पे इन्होंने पी इससे पहले कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि दोपहर काफ़ी हो चुकी थी, और कोल्ड ड्रिंक और नमकीन खाने के बाद इनमें आ गया था जोश, और इन्होंने दबा दब स्प्रे किया। तीनों भाइयों ने स्प्रे बहुत अच्छा किया। उसके बाद मैं आ गया अपनी स्कूटी के पास और ट्रैक्टर यहाँ से चल दिया, और स्प्रे हो गया हमारा कंप्लीट। फिर मैंने उठाई यहाँ से स्कूटी और आ गया मैं अपने घर।